दिवाकर एक गरीब किसान है जो फल और सब्जियां उगाकर अपना परिवार पालता है। वो अपने बगीचों में गोबर और बाकी जैविक खाद का प्रयोग किया करता है, जिससे उसकी उगाई बहुत सी चीजें ताजा होती है और सभी ग्राहक उससे ही फल और सब्जियां खरीदते हैं। अरे दिवाकर बाबू, ये पपीते कैसे दिए? 50 रुपए के हैं। 2 पपीता दे दीजिए। ये लीजिए 100 रुपए। दिवाकर के पास ग्राहकों की कमी नहीं है, पर उसी के बगल में ठेला लगाए बैठे भैरव के पास दिन में सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आते हैं, क्योंकि भैरव फल और सब्जियां उगाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, जिससे उसकी उगाई चीजें ताजी नहीं होती और उसकी आमदनी भी कम होती है, और इसी वजह से वो दिवाकर से जलता है। इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा पूरा धंधा चौपट कर देगा। भैरव कुछ सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद भैरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को फंसाने की साजिश करता है। सुनो दिवाकर भाई, तुम्हें पता है सरकार ने किसानों को सरकारी बीज देने की बात कही है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है भाई तुमने। अच्छे बीज मिलेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से फल सब्जियां उगा सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलो मैं बीज लेने जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो। भैरव अपने साथ दिवाकर को ले जाता है और उसे एक सरकारी बीज भंडार से बीज के कुछ पैकेट्स देता है। बीज लेने के बाद दिवाकर वहाँ से चला जाता है और भैरव अपनी चाल चलता है। वो अखबार में खबर छपवाता है कि सरकारी बीज भंडार से एक आदमी ने बीज चोरी किए हैं। भैरव उस अखबार को लेकर दिवाकर के पास जाता है। देखो दिवाकर भाई, किसी ने सरकारी बीज भंडार से बीज चोरी किए हैं और तुम्हारे पास भी कुछ पैकेट बीज के हैं, इसीलिए पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है। पर ये बीज के पैकेट तो तुमने मुझे दिए है ना? हाँ मैंने दिए थे, पर ये बात पुलिस को थोड़ी पता है कि किसको बीज मिले हैं और किसने चोरी की है। तो अब मैं क्या करूं? जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर मैं जाऊँ कहाँ? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भैरव दिवाकर को लेकर दूर एक घने जंगल में जाता है, जहाँ पर एक अंग्रेजों के जमाने का जेल बना हुआ है। तुम कुछ दिन इसी जेल के अंदर छिपे रहो, बाद में मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मुझे उस बेमतलब की आफत से बचा लिया। भैरव वहाँ से वापस आ जाता है और दिवाकर जेल के अंदर एक तहखाने में छिप कर रहने लगता है। अच्छा हुआ जो दिवाकर का बच्चा यहाँ से चला गया, अब लोगों के पास मेरी फल सब्जियाँ खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और भैरव महंगे दाम पर फल और सब्जियाँ बेचने लगता है। भाई साहब, आलू कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो, पर ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। मैं तो ऐसे ही बेचूंगा, नहीं लेना है तो जाकर शहर से खरीद कर लाओ। ग्राहक को मजबूरी में भैरव से सब्जियां खरीदनी पड़ती है। दिवाकर के न होने का भैरव पूरी तरह से फायदा उठाने लगता है। इसी बीच कुछ चोर शहर की एक बड़ी सुनार की दुकान से सोना चुरा कर शहर से दूर जंगल की तरफ आते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें ये पुरानी जेल दिखती है। सभी आकर इस जेल के पास जाते हैं। इस सोने को छुपाएं कैसे? कुछ तो नया उपाय ढूंढना पड़ेगा, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो समझ लो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। क्यों ना हम इस सोने को गलाकर ईंट बनाएं और इसे जेल के बाहर से लगा दें, इससे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे तुम चोर हो पर तुम्हारा दिमाग तो पुलिस से भी तेज है। सभी चोर शहर से चुराए हुए सोने को आग से पिघलाते हैं और उनसे ईंट बनाने लगते हैं। चोर सोने से बनाई हुई ईंटों को जेल के बाहर से लगा देते हैं, जिससे पूरी जेल सोने की बन जाती है और चमकने लगती है। ये हुई ना बात, देखो हमने अंग्रेजों की इस जेल को सोने की जेल में बदल दिया है। अब पुलिस तो क्या, सीबीआई वाले भी हमको पकड़ नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं और शहर जाकर मजे करते हैं।
सभी चोर खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन बीत जाने के बाद भैरव दिवाकर को देखने के लिए जंगल में आता है। वो जेल के अंदर जाता है और जोर से आवाज लगाता है। बाहर आ जाओ दिवाकर भाई, मैं भैरव हूँ। भैरव की आवाज सुनकर दिवाकर जेल के तहखाने से बाहर आता है। अच्छा किया भाई जो तुम मुझसे मिलने आ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर ही जाता। भैरव दिवाकर को देखता है और अपने मन में सोचता है, तू मर जाएगा तो मेरा तो फायदा ही फायदा होगा। भैरव के मन में दिवाकर को धोखा देने का विचार आता है। वो दिवाकर से कहता है, अरे भाई क्यों मरने की बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो चलो मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ, वहाँ पर कुछ देर ताजी हवा में बैठते हैं, वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। दिवाकर और भैरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी वहाँ से एक सोने की ईंट नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों रुक जाते हैं। भैरव देखता है कि ईंट बहुत चमकदार है, वो पास जाता है और ईंट को उठाता है। ये तो सोने की ईंट है। भैरव जेल की तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि पूरी जेल सोने की ईंटों से बनी है। ये देखकर भैरव बहुत खुश हो जाता है। उसको खुश होता हुआ देख दिवाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। भैरव ईंट को पीछे छुपाते हुए हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। पर तुमने ही तो कहा कि हम दोनों नदी किनारे ताजी हवा में जाएंगे और तुम मुझसे कुछ बात भी करना चाहते थे। मैं ये कह रहा था कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने बीज भंडार से सरकारी बीज चुराया था। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जाओ अब तुम अपने घर जा सकते हो। ये तो तुमने दिल खुश करने वाली खबर सुना दी, चलो घर चलते हैं। नहीं मुझे कुछ काम है, तुम चलो मैं बाद में आता हूँ। ठीक है तुम अपना काम खत्म करके आओ, मैं जा रहा हूँ। दिवाकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सोने की ईंटों से बनी जेल को देखकर भैरव खुशी से पागल हो जाता है। मेरी तो लॉटरी लग गई, कहां 50 रुपए की सब्जियां बेचनी पड़ती थी और अब करोड़ों का सोना मेरे हाथ लग गया है। भैरव जेल की दीवारों पर लगी सोने की ईंटों को निकालने लगता है और पास में पड़े एक थैले में सोने की ईंट भरने लगता है। तभी शहर से सारे चोर वापस आ जाते हैं। अच्छा बेटा तो हमने ये सोना क्या तुम्हारे लिए चुराया है? कौन हो तुम,